हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। सबसे पहले आज के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो काफ़ी चॉपी मार्केट इस समय देखने को मिल रहा है। पूरे देश में हालत कोरोना के वजह से काफ़ी टेंस है, कई जगहों पर कड़क लॉकडाउन कर दिया गया है। तो ये आज 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,456 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,361। तो जैसे कि आप देख पा रहे, शुरू में गैप एक गैप के साथ ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता और जैसे ही ऊपर आया 20 EMA के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया कल के क्लोज के आसपास, और यहाँ से फिर से एक बार टूवर्ड्स जब साउथ की तरफ आया तो ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 14,338 ये अचीव हुआ। यहाँ से जैसे बाउंस बैक हुआ एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने हर्डल फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, क्रॉस नहीं कर पाया, इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और यहाँ से ही हर्डल फेस करके टूवर्ड साउथ की तरफ जब आया तो फर्स्ट टारगेट फिर से एक बार 14,338 अचीव हुआ, सेकंड टारगेट 14,316 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ और ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट के लेवल के आसपास ये क्लोज हुआ है आज। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए। कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। वीक खत्म हो चुका है तो एक बार वीकली चार्ट देखना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, अगर आप देखें तो 20 EMA के पास लास्ट 2 वीक से ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। 20 EMA को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, अराउंड 14,150 के आसपास ये इस समय 20 EMA ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट में। तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें ये स्विंग लो और स्विंग हाई को पकड़ के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23.6% का लेवल के आसपास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है लास्ट 4 हफ्तों से, 4-5 हफ्तों से। तो 14,300 काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स नेक्स्ट लेवल 13,650 के आसपास आते हुए हमें दिखाई दे सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है अभी फिलहाल। चलते 60 मिनट के चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स ये जो बाउंस बैक बन रहा है आज का लास्ट हाफ एन आवर में, जो फिर से एक बार एक छोटा बाउंस बैक आया, तो आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है यानी 14,299 ये अगर ब्रेक होता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,281 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 14,257। और अगर फिर ऊपर की तरफ अगर बढ़ता है नॉर्थ साइड की तरफ तो फर्स्ट हर्डल तो 20 EMA का है यानी ये जो पिंक लाइन है वो, इसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करने दीजिए यानी अराउंड 14,378 हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,396 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,416 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, 60 मिनट का चार्ट। तो आज जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल हमारे थे वही सेम बैंक निफ्टी के लिए हो सकते हैं मंडे के लिए, यानी ब्रेकडाउन लेवल होगा हमारा 31,592
इसको अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 31,528, ये हमारा एक फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 31,458, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। ब्रेकआउट लेवल होगा 31,925, और इसके ऊपर अगर चला जाता है तो फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 32,000, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 32,084, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।